नीतिवचन अध्याय दो। नीतिवचन अध्याय दो। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ का अति यत्न करे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को निदान सब भली भली चाल समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मनभाव लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरा रक्षक होगा, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्टजन की उलट फेर की बातों में मगन होते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरे मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और नवे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे ही लोग उसके बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखड़ जाएंगे।